सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते भी मुझे अदनान की याद ना, मगर फिर भी उसकी यादें मुझे आजाद नहीं करती। पता नहीं कौन फरिश्ता है कौन शैतान, बातें तो आफिया की भी दिल को लगती हैं। नच्चों की खिदमत गुजारियां कभी कभी मुझे शक में डाल देती, और वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे मारकर उसे क्या हासिल होगा? मैं नहीं जानती अदनान किसकी कस्टडी में, उनको किसने अगवा किया। आप जानते हैं कि अदनान हकाइक को बेनकाब किया करते थे, और आपके वीकली इनकार में मैं भी यही कर रही हूँ। मैं क्या करूं, किस पर यकीन करूं किस पर ना करूं, तू ही मुझे रास्ता दिखा। मेरा तो दिमाग भी इतना कमजोर हो गया कि मैं सोचना भी चाहूं तो नहीं सोच सकती। काश रज़ियुद्दीन तुम इस वक्त मेरे पास होते, तुम सारे मामलात को कितनी आसानी से तय कर लेते, हर मसले को यूं चुटकी बजाते मैं हल कर लेते। अफसोस मैंने तुम्हारी कदर ना की रज़ियुद्दीन, सारी दुनिया तुम्हारे गुण गाती, लेकिन मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ मुकाबले में गुजार दी। मुझे माफ कर देना रज़ियुद्दीन, मुझे माफ कर देना। बेसुध होके सोया पड़ा है मेरा बच्चा, पता नहीं क्या गुजरी उस पे। क्या बता रहा था आपका बेटा, क्या हुआ मेरे राजम को? मेरा बेटा जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता बता रहा था कि खैर छोड़ो। क्या खैर छोड़ो, बोले ना बताएं। रात के आखिरी पहर या तो कोई नाइट ड्यूटी करके आता है और या फिर चोरी की गरज से आता है। अपने बेटे से पूछो कि उसका ताल्लुक किस कैटेगरी से है। बात सुनिए, जब औलाद के सर पे बाप का हाथ ना रहे ना तो औलाद घड़ियों की कैद से आजाद हो जाया करती है। अच्छा डायलॉग है, किस ड्रामे का है? मसरत, मैं एक बड़े सुनामी को घर की तरफ बढ़ते देख रहा हूँ। क्या नूर पीर के वक्त अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं, बताते क्यों नहीं क्या हुआ मेरे राजम को? उसे गोली लगी है। गोली? हाँ गोली, किसी झगड़े में उसे किसी ने गोली मार दी। या अल्लाह मेरे मासूम बच्चे की खैर, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। मासूम? वैसे एक और बात महसूस कर रहा हूँ। अब क्या महसूस कर रहे हैं? घर में इतना हंगामा था, चीखों पुकार मची हुई थी, लेकिन इरम और सदफ में से किसी ने अपनी नींद खराब करनी गवारा नहीं की। लगता है कि घर में उठने वाले तूफान से ज्यादा उन्हें अपनी नींद प्यारी है। अब उस गरीब को छोड़ के ना उन बिचारियों के पीछे पड़ जाएं, रात रात भर पड़ती हैं, किस तरह से सारी रात जागे फिर वो? पढ़ेंगी या कुछ और करेंगी? मेरी जाने जूती, जिम्मेदारी खुद भी उठा लें, बच्चियों को देख लिया करें। सुबह उठे ना तो सवाल जवाब कर लीजिएगा, हर बार मेरा पीछा ना लिया करें। छोड़ो,
रजियुद्दीन, मेरी आंखों पर वाकई सारी उम्र सौतेलेपन और नफरत की पट्टी बंधी रही। तुमने सच कहा था, मैं खुद अपनी कोख से जन्मी औलाद के हाथों तबाह हो जाऊंगी। काश काश मैं उस वक्त तुम्हारी बातों को समझ सकती। लेकिन आफिया, आफिया और अहमर, ये सब क्या है? क्या आफिया मेरी ज्यादतियों का बदला लेने के लिए अहमर के साथ मिलकर मुझे? नहीं, या मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, मुझे झूठ और सच में तमीज करने की तौफीक अता फरमा, मेरे और इस घर के दुश्मनों को बेनकाब कर और दोस्तों के चेहरे पर सच्चाई की रोशनी बिखेर, ताकि मैंने दूर से पहचान सकूं। धूप बना जीवन अपना, जलता है सावन अपना। जहे नसीब, आज सखी खुद चलकर सवाली के पास आया। क्या बात है रासम, आज बहुत ज्यादा टूटे हुए लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या? मैं चक्की के दो पार्टों में पिस गया, रेजा रेजा हो रहा हूं। देखो राजम, तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तब भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर तुम्हारी शिकस्ता हाली का सबब क्या है। ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जिसने तुमसे तुम्हें छीन लिया है? मैं क्या करूं नक्स, मेरा दिमाग सोच सोच के शल हो गया। सदफ की जान बख्शी उसी सूरत में हो सकती है कि मैं अपनी वपोशी खत्म करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, और अगर मैं अपनी बहन को सजा से बचाता हूं तो खुद की गर्दन में फांसी के फंदे में फंसा दूं। इधर दूसरी तरफ जुल्फी शायद मेरे रास्ते की दीवार बना हुआ है, वो किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। मुझसे कोई अहम काम लेना चाहता है, वो अहम काम जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है राजन, तुम्हें जाना ही होगा। क्या तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो? क्या दुनिया का कोई भी भाई इतना खुदगर्ज हो सकता है कि उसकी बहन जेल में पड़ी सड़ती रहे और वो सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ दे? क्या ये मुमकिन है? लेकिन मैं जुल्फी शाह का क्या करूं? अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो शायद मुझे पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचने ना थे। मैं नहीं, तुम जुल्फी शाह की लार्जर देन लाइफ पेंटिंग बना रहे हो। तुम उसे अपने सामने हवा बनाकर पेश कर रहे हो ताकि तुम पुलिस स्टेशन जाने से बचे रहो। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो नरगिस, कि मैं अपने जुर्म की सजा अपनी बहन को भुगतने दूंगा? नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अंदर से तुम्हें अपने किए की सजा भुगतने का खौफ भी है, और इसलिए तुम्हारे लाशऊर ने जुल्फी शाह को तुम्हारे सामने एक देव बनाकर ला खड़ा किया। क्या तुम जुल्फी शाह के बारे में जानती नहीं हो? बहुत अच्छी तरह से जानती। वो एक ऑक्टोपस है जिसकी गिरफ्त में अगर कोई आ जाए तो रिहाई नहीं पा सकता।
लेकिन अगर तुम कुछ करने की ठान लो तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? और जरूरी तो नहीं कि उसे तुम्हारे हर इरादे की पेश की खबर हो जाए। शायद तुम ठीक कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है राजन कि मैं तुम्हें जो गिरफ्तारी पेश करने का मशवरा दे रही हूँ खुशी से दे रही हूँ? मेरे कलेजे पर छुरियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मासूम लड़की है जो इत्तेफाक से तुम्हारी सगी बहन है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि वो अपनी फूल जैसी जवानी जेल की कोठरियों में सड़ा दे? तुम ये भी जानती हो कि मुझ पर एक नहीं दो नहीं तरचन भर मुकदमे कायम हैं, 7 साल कैद से लेकर सजाए मौत तक। हर नौयत की सजा मेरा इंतजार कर रही है। सजाए मौत का मतलब समझती हो तुम? समझती हूँ, लेकिन उधर एक माँ भी है जो इत्तेफाक से तुम्हारी भी माँ है। उसका पल पल सूली पर लटकते हुए गुजरता होगा। तुम एक बार मौत की सजा पाओगे, मगर वो रोजाना तुम्हारी गाढ़ी हुई स्लेब पर मसलूब होती है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? थैंक यू नरगिस। आज मेरे पास तुम दोनों के लिए एक एक खुशखबरी है। क्या मतलब? दोनों के लिए एक ही खुशखबरी है? मतलब ये है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी कुछ और है और इरम के लिए कुछ और। सुल्ताना जी, आपको क्या लगता है हमारी तकदीर में खुशियां बाकी होंगी जो हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी? अजीब बात करती हैं। इसमें अजीब बात क्या है? तुमने तकदीर का क्या बिगाड़ा जो तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ही ना मिले? चलो भाई, अब खुशखबरी बता भी दो। वो खुशखबरी ये है कि मेरे ऑफिस में तुम्हारी जॉब का इंतजाम हो गया है। क्या? वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें फील्ड असिस्टेंट की जॉब की ऑफर की जाएगी, जिसके तहत तुम्हें सर्वे टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। अच्छा ताना जी, मेरी जॉब की बात की आपने। आपको पता है मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बहुत अच्छे नंबरों से। मैंने जानबूझ के तुम्हारी एप्लीकेशन वहाँ फॉरवर्ड नहीं की। क्यों? वो इसलिए कि मैंने तुम्हारा यहाँ काम करना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारे लिए खुशखबरी जरा दूसरे किस्म की है। सुल्ताना बस भी कर दो, बताओ भी चुको इसको। तुम क्या इसको सस्पेंस में डाली जा रही हो? तो सुनो, तुम बहुत जल्द अपने घर जा रही हो। घर? हाँ अपने घर। मैं आज सुबह तुम्हारी भाभी आफिया से मिली थी, वो बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रही हैं। आफिया? हाँ, बहुत अच्छी खातून है और जब तुम्हारा सुना तो खुशी के मारे रोने लगी। वो फौरी तौर पे मिलने के लिए तुमसे बेकरार हो रही थी, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने सोचा पहले मैं तुमसे बात कर लूँ। आपको किसने कहा था सुल्ताना जी कि आप मुझसे पूछे बगैर मेरी भाभी से मिले? किसने कहा था आपको? इसमें पूछने वाली क्या बातें, आखिर तुम्हें एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही था ना, और उसके लिए सबसे अच्छा जरिया तुम्हारी भाभी आफिया ही हैं, जो तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने में मदद करेंगी। इरम सुनो मेरी बात। इरम कुछ तो बोलो, क्या हुआ? इसे क्या हुआ? पागल। Thank you.
आपने कहाँ जाना है दीदी? जी डिफेंस ले ले। डिफेंस के रास्ते की हालत बहुत खराब है, वहां तो मैं नहीं जाऊंगा। तारिक रोड ले ले आप। तारिक रोड 300 रुपए होंगे। 300? 300 तो बहुत है। ज्यादा तो है मगर रात का वक्त है, हालात खराब है। अच्छा आप 250 दे दीजिएगा। ये बताएं कि तारिक रोड में किस जगह जाना है आप? कहीं भी उतार दीजिएगा। कहीं भी उतार दीजिएगा, मतलब तारिक इतना बड़ा इलाका है। भाई मैं आपको बताती हूँ, आप गाड़ी तो चलाइए। मुझे लगता है आपके साथ कोई मसला है, क्योंकि आपको तो शायद ये भी पता नहीं आपने जाना कहाँ है। कभी तारिकोड़ कहती हैं, कभी डिफेंस कहती हैं। बीबी मैं एक माकूल आदमी हूँ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखिए भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तारिक रोड पे मेरी एक सहेली रहती है, मुझे उसी के घर पे जाना है, बस मैं वहीं जा रही हूँ। आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी छड़ी से बता रही है कि आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी रात गए इन हालात में किसी लड़के को अकेला टैक्सी में घूमना कुछ मुनासिब। यकीन मानो कोई मसला नहीं है, मैं अपनी सहेली के घर ही जा रही हूँ, बहुत अरसे बाद जा रही हूँ ना, इसीलिए पता भूल गई हूँ। वहाँ पहुँच के उसको फोन कर लूंगी तो मुझे समझा देगी वो पता। वो तो आप यहाँ बैठे बैठे भी कर सकती है। मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा करो, चुप करो और गाड़ी चलाओ। ठीक है बीबी, जैसा। एरम, एरम सारा मेरे लिए पानी लेके आ, मेरा हलक बड़ा खुश कर रहा है। एरम, एरम मेरे लिए सारा पानी लेके आ, मेरा हलक बहुत खुश कर रहा है। एरम, उठना यार। ये एरम के बच्चे कहाँ चले गए? ये यकीनन छत पे गई होगी, जैसे इसको मौका मिलता है ना ये फौरन छत का रुख करती है। अब भी जाके इसको पकड़ती हूँ। जबरदस्ती करें, हाथ मत लगाना मुझे। कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, मैं अपने शोहर का इंतजार कर रही हूँ। हमको गुलशन जाना है शादी में। जानी हम भी आंख रखते हैं और फिर सब पहचानते भी हैं। क्यों, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर करके पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो पुलिस को, खुद ही पकड़ी जाएगी। क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? अकेली लड़की को देख के बदमाशी बोल कर आए हो तुम दोनों? अपने यार के साथ कहां भाग के जा रही है? हैं? अभी तक वैसे पहुंचा नहीं है, आएगा भी या नहीं? छोड़ दफा कर उस बुजदिल को, मैं बहुत वफादार हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा तेरा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू वैसे दिखने में तो काफी भोली लगती है, कैसे आ गई उसकी बातों में? सही कह रहा हूँ? अब कदम उठा लिया है तो किस मुंह से घर वापस जाएगी,
चला जा हमारे साथ। वो आ गया मेरा शौहर। हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ना इधर ना इधर। फिर चल भी, कोई नहीं आने वाला। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। परिंदे की जान जख्मी परिंदे की जान कैसे लेता हूँ? एक एक पर नोच कर और लहू का एक एक बूंद पी कर समझी तो छोड़ मुझे। ये तो मर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कत्ल किया इसका। अरे चुप कर दो, कत्ल किया या नहीं किया, अब यहाँ से जल्दी भागना होगा हमें, पुलिस आ जाएगी। चल खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, खड़ी हो तू, चल जल्दी यहाँ से निकल। क्या हुआ शायन, नींद नहीं आ रही? माफ करना, मैंने तुझे तंग किया इस टाइम पे। क्या इरम अंदर है क्या? नहीं तो क्यों? क्या वो घर पर नहीं है? घर पर नहीं है? तुमने पूरा घर अच्छी तरह देखा है? हाँ सुल्ताना, मैंने पूरा घर छान मारा है, लेकिन वो घर पर नहीं है। उसके पास फोन तो होगा ना? हाँ, मैंने कल ही दो मोबाइल खरीदे थे, एक उसके लिए और एक अपने लिए, और दो ही सिमें डलवाई थी ताकि हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रह सके। तो फोन पे ट्राई करो उसे। बन जा रहा था मोबाइल नंबर, बन जा रहा है। कहाँ जा सकती है फिर वो? वो बेचारी तो बहुत मासूम है, अल्लाह ना करे कि वो शादी के हत्थे चढ़ जाए। अच्छा तुम यहाँ बैठो जाए। ये मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं? यहाँ तो कोई मेरा जानने वाला भी नहीं है। एक दफा मुझे शाहीन ने बताया था कि यहाँ कहीं शादी का अड्डा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मगर कहाँ जाऊँ मैं? क्या वापस शाहीन और सुल्ताना की तरफ? मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग मुझे वापस भेजना चाहती है मेरे घर। मैं उस घर में कदम नहीं रख सकती जो घर मेरे लिए एक ताना बन गया। कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरी मदद कर। उसने कहीं तुमसे कहीं जाने की बात तो नहीं करी थी? मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी माँ के घर चली गई हो। नहीं सुल्ताना, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो तो अपने घर जाने से बहुत खौफजदा थी। तुम्हें याद है सुल्ताना, जब तुमने शाम में बात करी थी आफिया के बारे में, तो उसने कितना बुरा मनाया था। वो घर नहीं जा सकती, और सोचो अगर आफिया यहाँ आ गई इरम के चक्कर में, तो हम उसे क्या बताएंगे कि इरम कहाँ है? नहीं, आफिया यहाँ फौरी तौर पे नहीं आएगी,
मेरी आपस में उससे यही बात हुई थी, जब तक मैं इरम का जहन तैयार ना कर दूं वो यहाँ ना आए और इस बात को अपने तक महदूद रख। सुल्ताना मुझे तो बहुत परेशानी लगी है, क्या किया जाए यार? सवाल ये है कि वो इस वक्त कहाँ होगी? क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहाँ वो हो? मुझसे कभी आज तक उसने कोई जिक्र नहीं किया। हाँ ये जरूर बताया था उसने कि उसके दो तीन क्लास फेलोज हैं जिससे उसकी दोस्ती थी, लेकिन सबसे उसकी बातचीत खत्म हो चुकी है। सुनो सुल्ताना, मेरा ख्याल है कि हमें बातें करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चला चले यार, चल के उसको ढूंढते हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। लेकिन हम इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कहाँ? तुम उसके मोबाइल पे दोबारा ट्राई करो। हाँ किया है, लेकिन उसका फोन तो मुसलसल बंद जा रहा है। चलो फिर ढूंढते हैं, हो सकता है यहीं कहीं मिल जाए। मैं दुपट्टा लेके आती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। आ जाओ। जी मुझसे कुछ कह रही हैं आप? मैं बड़ी देर से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान सी हो, खैरियत है ना? कुछ नहीं बस यूं ही। नहीं, कोई भी जवान लड़की जो देखने में शरीफ भी हो इस तरह अंधेरी रात में अकेली यूं घूमती नहीं। कहाँ जाना है बेटा? मुझे कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे। अच्छा तुम ऐसा करो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ गाड़ी में बैठो। आपके साथ? तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा, तुम्हें इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है। आओ शाबाश, चलो बैठ जाओ। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस कतर बेवकूफ निकलेगी। अगर इसे नहीं जाना था तो मुझे साफ साफ कह देती। ये कौन सा तरीका था कि आधी रात को उठ के वो चली गई? यही होता है, घर से भागने वाली लड़कियां जज्बात में आके कदम तो उठा लेती हैं, लेकिन वो अपनी बेवकूफी की वजह से, ना तजुर्बेकारी की वजह से उलझती चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो सांपों से भरी कोठरी में आ गई हूँ जहाँ खौफ के सांप लिपट कर इन्हें पत्थर का बना देते हैं। सही कह रही हो तुम सुल्ताना, इस बात को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? हम भी तो इसी तरह एक बार घर से निकले थे, भागते भागते भटकते भटकते उन तंग वादियों में चले गए थे जहां आगे खाई थी और पीछे कुआं। हम जाना चाहते थे लेकिन हम वापस जा नहीं पाते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे खुद के सांप, हमारे खुद के सांप हमारे पैरों से लिपट गए थे। हम वापस कैसे जा सकते? और फिर इरम, इरम तो बहुत ही मासूम लड़की, वो भला कैसे जाती वापस? चल उठ भी जा, उठ जा मेरी जान, उठ जा ना।
अरे कब तक यूं ही जिंदगी का सोग मनाएगी तू? उठ जा ना लाटो, चल उठ जा मेरी जान, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, चल उठ भी जा। देख मेरी बात, हार जाना और मर जाना ये तो कोई बात ना हुई हीरम, पलट के जिंदगी को चपटना यही जिंदगी होती है। आसमान पे उड़ के अपनी परवाज से पूरे आसमान को सजा देना, इसी को जिंदगी कहते हैं। उठ, जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। ये दरवाजा है ना, ये तुझे बुला रहा है, इसके पीछे जिंदगी तुझे हंस के बुला रही है। उठ उठ लाटो उठ। चल तू एक काम कर, तू थोड़ा सा और आराम कर ले, हाँ मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। बहुत देर से कुछ नहीं खाया बाप, कुछ खा ले। देख वैसे तो तू मरी नहीं, लेकिन ऐसे तो जरूर मर जाएगी। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मरना चाहती है तू? हाँ मैं मरना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो मर गई हूँ, मैं तो मर चुकी। क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया मुझे, क्यों मुझे बचा के यहाँ लेकर आए, क्यों? देखा, मैं तुझे ना सब कुछ बता दूंगी, सब बता दूंगी, ठीक है? तू थोड़ा बहुत कुछ खा लेगी ना तो तेरे होश आवाज जो है ना वो हो जाएंगे नॉर्मल, फिर मैं करूंगी तुझसे तफसील से बात। चल चल मेरा बच्चा, मुंह खोल अपना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अरे देख मेरी बन्नो रानी, तू कोई पहली लड़की नहीं है जो मरने को चली थी, जानती है कभी मैं भी तेरी तरह इसी तरह घर से निकली थी मरने के लिए। जानती फिर क्या हुआ, फिर कोई मेहरबान मेरे और मेरे मौत के बीच में आ गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तुझे मैं मौत से खींच के जिंदगी की तरफ लाई हूं ना, वो भी मुझे मौत से खींच के जिंदगी की तरफ लेके आ गया। उसने मुझे पलट के चपटना सिखाया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है, वो वापस उस जहन्नम में जा सकती जहां से वो निकल कर आई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? मेरा ख्याल है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैं तो घर से भागी हुई लड़की हूँ जिसके साथ कुदरत ने बहुत बुरा किया, एक लड़के ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस काम पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा अच्छा, ये वही शाहीन है ना जो उस शमशाद नामी, मेरा मतलब है कि जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, जिसने इरम को भी अपने कब्जे में रखा हुआ था। मेरा एक और भी तारुफ है मोहतरमा। अम्मा मैंने पहले भी ये बात आपसे सुनी थी मगर मैंने अनसुनी कर दी थी, आज तो मैं जानना चाहती हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं घर आपसे छीन लूंगी? तुम और अहमर मिलकर क्या? नींद ही नहीं रात।
सपनों की ओट में।